गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल का पाठ पढ़ाएंगे। पिछले अध्याय में हमने आपको इसी पाठ से संबंधित लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय, साहित्यिक योगदान आदि के विषय में आप लोगों को बताया था। आज हम उन्हीं के द्वारा लिखित अशोक के फूल पाठ का अध्ययन करेंगे। अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के सामाजिक एवं सांस्कृतिक चिंतन की परिणति है। सामान्यतः इसे सामंतीय सभ्यता एवं परिष्कृत रुचि का प्रतीक माना जाता है। भारतीय परंपरा में अशोक के फूल को दो प्रकार के रूप में विभाजित किया गया है। प्रथम श्वेत पुष्प, जो तांत्रिक क्रियाओं की सिद्धि के लिए उपयोगी है, तथा द्वितीय लाल पुष्प, जो स्मृति वर्धक होता है। कंदर्प के 5 तुड़ीरों में स्थान पाने वाला अशोक का फूल आज उपेक्षित क्यों? जबकि अशोक वृक्ष की पूजा गंधर्वों और यक्षों की देन है। भारतवर्ष का स्वर्ण युग इस पुष्प के प्रत्येक दल में मादकता के साथ लहरा रहा है। उस मादकता की अनुभूति के लिए कालिदास जैसी दृष्टि आवश्यक है। लेखक ने अपनी बहुमूल्य सांस्कृतिक धरोहर की लोगों द्वारा उपेक्षा करने की ओर संकेत दिया है। 2000 वर्ष पहले की तरह अशोक आज भी उस मस्ती में झूम रहा है। बदली हुई मानसिकता के कारण हम उसकी अच्छाइयों को समझने में असमर्थ हैं। पर द्विवेदी जी की सूक्ष्म एवं पैनी दृष्टि उन छोटी छोटी महत्वपूर्ण चीजों को देखे बिना नहीं रह सकी है। लेखक इसमें इस पाठ में ये बताते हैं कि एक समय था जब अशोक के फूल का बहुत ही अधिक महत्व होता था, आज वो उपेक्षणीय है। ये लोगों की बदलती हुई मानसिकता है। ये सोच सोच करके वो उदासीन है। वो कहता है कि ऐसा क्यों है, अब वो फूल अशोक के फूल का महत्व क्यों घट गया है। इस विषय में लेखक के अपने विचार इस पाठ में व्यक्त किए गए। अशोक में फिर फूल आ गए हैं। इन छोटे छोटे लाल 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 पुष्पों के मनोहर स्तवकों में कैसा मोहक भाव है। स्तवकों माने गुलदस्तों में कैसा मोहक भाव है। बहुत सोच समझकर कंदर्प देवता ने लाखों मनोहर पुष्पों को छोड़कर सिर्फ 5 को ही अपने तुलीर में स्थान देने योग्य समझा था। यह अशोक ही है। कंदर्प यहाँ कामदेव को कहा गया है, जो प्रेम के प्रतीक माने गए हैं। कामदेव ने अपने तुड़ीर अर्थात तुड़ीर में 5 पुष्प जो रखते थे, वो उनमें अशोक का एक फूल ही होता था। लेकिन पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है। लेखक कहता है, लेकिन वो खिले हुए फूल को देख करके मेरा मन अत्यंत दुखी हो जाता है। इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। कुछ लोगों को मिलता है, वे बहुत दूरदर्शी होते हैं। जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब वे लगा लेते हैं।
मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती, फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर उदास हो जाता है। लेखक कहता है कि मेरा मन इस खिले हुए फूल को देख करके उदास हो जाता है। वे अपनी उदासी का कारण स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि मैं इसलिए नहीं उदास हूं कि अशोक का पुष्प अत्यधिक सुंदर है और उसकी सुंदरता से मुझे कोई ईर्ष्या हो रही है, इसलिए मैं उसकी कमियों का अन्वेषण कर उसे अभागा बतलाकर उससे सहानुभूति प्रदर्शित करने का प्रयास करते हुए स्वयं को उससे सुंदर अथवा सर्वगुण संपन्न बताकर अपने मन को सुखी बना रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। यद्यपि संसार में इस प्रकार दूसरों में दोष निकालकर स्वयं प्रसन्न होने वाले लोगों की कमी नहीं है, किंतु मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो दूसरों में दोष निकालकर स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करके और स्वयं पर खुश होते हैं। ऐसे लोगों पर व्यंग करते हुए द्विवेदी जी कहते हैं कि ये लोग बड़ी दूर तक की सोच विचारने वाले होते हैं। ये किसी व्यक्ति के अतीत की तो एक परत ही उखाड़ देते हैं, बकिया उधेड़ देते हैं, उनके भविष्य का मृत्यु पर्यंत तक संभावनाओं दुर्भावनाओं का विवेचन लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं और उन्हें सब प्रकार से दीनहीन प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन मैं इतनी दूर तक की नहीं सोचता हूँ, क्योंकि मुझे भविष्य में देखने का अवकाश ही नहीं है। अतः मैं लोगों के भविष्य में झांकने में स्वयं को असमर्थ पाता हूँ। फिर भी इस फूल को देखकर मैं उदास हो जाता हूँ, उसका अनुमान ही कर सकता हूँ। जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब वे लगा लेते हैं। मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती है, फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर वो उदास हो जाता है। असली कारण तो मेरे अंतर्यामी ही जानते होंगे, कुछ थोड़ा सा मैं अनुमान कर सकता हूँ, बताता हूँ। भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकी व्यापार है। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि कालिदास के पूर्व भारतवर्ष में इस पुष्प का कोई नाम ही नहीं जानता था, परंतु कालिदास के काव्यों में यह जिस शोभा और सौकुमार्य का भार लेकर प्रवेश करता है वह पहले कहाँ था। उस प्रवेश में नववधु के गृह प्रवेश की भांति शोभा है, गरिमा है, पवित्रता है और सुकुमारता है। फिर एकाएक मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ ही साथ ये मनोहर पुष्प साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया जाता है। कहते हैं जैसे ही मुस्लिम साम्राज्य आया वैसे ही इस पुष्प ये पुष्प की प्रतिष्ठा जो है कहीं खोख सी गई, इसका नामो निशान सा जैसे मिट गया। नाम तो लोग बाद में भी लेते थे, पर उसी प्रकार जिस प्रकार बुद्ध विक्रमादित्य का अतः गुमनामी में हो गया फूल, अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वो अपूर्व था,
महाकवि कालिदास जी ने अशोक के फूल को बहुत ही सम्मान दिया है अपने काव्यों में। सुंदरियों के असंजनकारी नुपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वो फूलता था। कोमल कपोलों पर कर्णावंतस के रूप में कर्णावतंस के रूप में झूलता था और चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। कोमल कपोलों पर, सुंदरियों के कोमल कपोलों पर कर्णावतंस कहा गया, कर्णाभूषण, कर्ण के आभूषण के रूप में यह पुष्प सुशोभित होता था और चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा को वो 100 गुना बढ़ा देता था। अर्थात अलकों माने बालों की शोभा को भी ये बढ़ाता था। अर्थात जो सुंदरियां थी, जो महाकवि कालिदास द्वारा रचित काव्यों में जो नारी का चित्रण हुआ है, उसमें इस फूल को, फूल की शोभा को अलकों में लगा करके सुंदरी की शोभा का वर्णन किया गया था। सुंदरियां अपने बालों में इस पुष्प को लगाती थी गजरे के रूप में और वो शोभायमान होता था। वो महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था। कहते हैं महादेव की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव ने अपने इसी पुष्प का प्रयोग किया था और उनके क्रोध को बढ़ा दिया था, जिसके द्वारा वो विनाश को प्राप्त हो गया था। मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था और मनोजन्मांत देवता के इशारे पर कंधों पर से ही फूट उठता था। अशोक के किस कुशल अभिनेता के समान झम से रंगमंच पर आता है और दर्शकों को अभिभूत करके खप से निकल जाता है। क्यों ऐसा हुआ? कंदर्प देवता के अन्य बाणों की कदर तो आज भी कवियों की दुनिया में ज्यों की त्यों बनी हुई है। अरविंद को किसने भुलाया? आम कहाँ छोड़ा गया और नीलोत्पल की माया को कौन काट सका? नव मल्लिका की अवश्य ही अब विशेष पूछ नहीं है, किंतु उसकी इससे अधिक कदर कभी भी नहीं थी। भुलाया गया है अशोक। लेखक कहता है कि कामदेव के तुड़ीर में जिन पुष्पों का प्रयोग हुआ था वो आज भी है, उनका मत उतना ही आज भी है, लेकिन उसमें से भुलाया गया है तो सिर्फ अशोक के फूल को। मेरा मन उमड़ घुमड़ कर भारतीय रस साधना के पिछले हजारों वर्षों पर बरस जाना चाहता है। क्या यह मनोहर पुष्प फुलाने की चीज थी? सहृदयता क्या लुप्त हो गई थी? कविता क्या सो गई थी? ना, मेरा मन ये सब मानने को तैयार नहीं। जले पर नमक तो ये है कि एक तरंगायित पत्र वाले निफूले पेड़ को सारे उत्तर भारत में अशोक कहा जाने लगा। याद भी किया तो अपमान करके। लेकिन मेरे मानने न मानने से होता क्या है?
ईसवी सन के आरंभ के आसपास अशोक का शानदार पुष्प भारतीय धर्म, साहित्य और शिल्प में अद्भुत महिमा के साथ आया था। लेखक इसमें बताते हैं कैसे उसके इस शानदार पुष्प का जो है भारतीय धर्म, साहित्य और शिल्प में कैसा उसका अद्भुत प्रयोग किया गया था शुरुआती दौर में। उसी समय शताब्दियों के परिचित यक्षों, गंधर्वों ने भारतीय धर्म साधना को एकदम नवीन रूप में बदल दिया था। पंडितों ने शायद ठीक ही सुझाया है कि गंधर्व और कंदर्प वस्तुतः एक ही शब्द के भिन्न भिन्न उच्चारण है। कंदर्प देवता ने यदि अशोक को चुना है तो यह निश्चित रूप से एक आर्यतर सभ्यता की देन है। इन आर्यतर जातियों के उपास्य वरुण थे, कुबेर थे, वज्रपाण यक्षपति थे। कंदर्प यद्यपि काम देवता का नाम हो गया है, तथापि है वो गंधर्व का ही पर्याय। लेखक इस गद्यांश में ये बताते हैं कि ईसवी सन के आरंभ के आसपास इस शानदार पुष्प का भारतीय धर्म में, साहित्य और शिल्प में अद्भुत महिमा के साथ आया था, अद्भुत महिमा के साथ इसका प्रयोग किया गया था। उस समय यक्ष गंधर्व ने जो है भारतीय धर्म साधना को एकदम नया रूप दिया था। इन आर्यतर जातियों, ये आर्य जाति से भिन्न जाति के लोग थे, मतलब इनके समय पर इन्होंने शुरुआत में अशोक के फूल का बहुत अधिक प्रयोग किया और बहुत अधिक सम्मान दिया उसको। इस समय इनके समय के जो देवता थे वो वरुण थे, कुबेर थे, वज्रपाणी यक्षपति थे। शिव से भिड़ने जाकर एक बार ये पिट चुके थे। कामदेव के लिए कह रहे हैं, कामदेव जो है शंकर जी से उनकी तपस्या को भंग करने हेतु जाने पर उनके द्वारा वो भस्म किया जा चुका था। विष्णु से डरते थे, बुद्धदेव से भी टक्कर लेकर लौट आए थे, लेकिन कंदर्प देवता हार मानने वाले जीव न थे। बार बार हारने पर भी वो झुके नहीं, नए नए अस्त्रों का प्रयोग करते रहे। अशोक शायद अंतिम अस्त्र था। बौद्ध धर्म को इस नए अस्त्र से उन्होंने घायल कर दिया। शैव मार्ग को अभिभूत कर दिया और शाक्त साधना को झुका दिया। शाक्त साधना कहा गया है जो शक्ति की पूजा करते हैं उनको, करने वालों को शाक्त साधना के रूप में जाना जाता है। वज्रयान इसका सबूत है, कौल साधना इसका प्रमाण है और कापालिक मत इसका गवाह है।
रविन्द्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। विचित्र देश है वो, असुर आए, आर्य आए, शक आए, गूढ़ आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, न जाने कितनी मानव जातियां यहाँ आई। शायद भारतवर्ष में ये सारी जातियां आई और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गई। जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं, वे अनेक आर्य और आर्यतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। एक एक पशु, एक एक पक्षी, न जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित है। अशोक की भी अपनी स्मृति परंपरा है। अशोक के फूल की भी अपनी एक यादगार परंपरा बन गई है। आम की भी है, बकुल की भी है, बकुल माने बगुला की भी है, चंपे की भी है, सब क्या हमें मालूम है? जितना मालूम है उसी का अर्थ क्या स्पष्ट हो सका है? लेखक अपने आप में ही सवाल करता है, अपने आप में ही जवाब देता है। न जाने किस बुरे मुहूर्त में मनोजन्मा देवता ने शिव पर बाण फेंका, फिर वो याद करता हुआ लेखक कहता है कि जाने कौन सी वो घड़ी थी, न जाने कौन सा वो पल था, क्षण था, जब कामदेव, मनोजन्मा का मतलब है कामदेव, ने शिव जी पर अपना वो पुष्प बाण फेंका था, शरीर जलकर राख हो गया था। और वामन पुराण की गवाही पर हमें मालूम है कि उनका रत्नमय धनुष टूट टूट कर खंड खंड हो धरती पर गिर गया। जहां मूठ थी वो स्थान रुक्मणी से बना था। ये पुराणों में मिलता है, ऐसा बताया गया है। वह टूट टूट कर धरती पर गिरा और चंपे का फूल बन गया। चंपे के फूल की ये कहानी बताई जा रही है। इसमें जो कामदेव का जो धनुष था शंकर जी की क्रोधाग्नि में जलने के पश्चात कामदेव का वो धनुष टूट टूट कर खंड खंड होकर के धरती पर गिर गया था, लेकिन जहां मूठ थी वो स्थान रुक्मणी से बना था। और कहते हैं वो टूटकर धरती पर जहाँ गिरा वो चंपे का फूल बन गया। हीरे का बना हुआ जो नाह स्थान था वो टूटकर गिरा और मौल श्री के मनोहर पुष्पों में बदल गया। मौल सरी के पनोहर पुष्पों में बदल गया। अच्छा ही हुआ इंद्र नील मणियों का बना हुआ कोटि देश भी टूट गया और सुंदर पाटल पुष्पों में परिवर्तित हो गया। ये भी बुरा नहीं हुआ, लेकिन सबसे सुंदर बात यह हुई कि चंद्रकांत मणियों का बना हुआ मध्य देश टूटकर चमेली बन गया और विद्रुम की बनी निम्नतर कोटि बेला बन गई। ये सभी पुष्पों की, जिन पांच पुष्पों की बात बताई गई है वो कैसे बने पुष्प, इसमें इस गद्यांश में ये चीज बताई गई है। स्वर को जीतने वाला कठोर धनुष जो धरती पर गिरा तो कोमल फूलों में बदल गया। स्वर्गीय वस्तुएं धरती से मिले बिना मनोहर नहीं होती हैं।
वो सुंदर तभी बनती हैं जब वो धरती पर गिरती हैं। परंतु मैं दूसरी बात सोच रहा हूँ, इस कथा का रहस्य क्या है। लेखक पुनः कहता है, मैं दूसरी बात सोचता हूँ, इस कहानी का, इस कथा का क्या रहस्य है। ये क्या पुराणकार की सुकुमार कल्पना है, क्या सचमुच ये फूल भारतीय संसार में गंधर्वों की देन है। एक सबसे पहले गंधर्व ही थे। एक निश्चित काल के पूर्व इन फूलों की चर्चा हमारे साहित्य में मिलती भी नहीं है। सोम तो निश्चित रूप से गंधर्वों से खरीदा जाता था। सोम अमृत को कहा गया। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ की विधि में ये विधान सुरक्षित रह गया है। ये फूल भी क्या उन्हीं से मिले हैं? ये लेखक अपने आप में ही प्रश्न कर रहा है, ये पुष्प भी क्या उन्हीं से मिले हैं? स्वाभाविक है, ये बात सत्य है। कुछ बातें तो मेरे मस्तिष्क में बिना सोचे ही उपस्थित हो रही हैं। यक्षों और गंधर्वों के देवता कुबेर, सोम, अप्सराएं, यद्यपि बाद के ब्राह्मण ग्रंथों में भी स्वीकृत हैं, तथापि पुराने साहित्य में आप देवता के रूप में ही मिलते हैं। लेखक कहता है कि यक्षों और गंधर्वों के देवता कुबेर, सोम, अप्सराएं, यद्यपि बाद के ब्राह्मण ग्रंथों में भी स्वीकृत हैं। ये ब्राह्मण जो ब्राह्मण ग्रंथ हुए उनमें भी यह बात स्वीकार की गई है, फिर भी पुराने साहित्य में कामदेव को ही देवता के रूप में ही माना गया है। बौद्ध साहित्य में तो बुद्ध देव को ये कई बार बाधा देते हुए बताए गए हैं। बौद्ध साहित्य में भी कामदेव का जिक्र हुआ है, जिसमें एक बाधा के रूप में उनको बतलाया गया है। महाभारत में ऐसी अनेक कथाएं आती हैं जिनमें संतानार्थनी स्त्रियां वृक्षों के अपदेवता यक्षों के पास संतान कामिनी होकर जाया करती थी, और यक्ष यक्षिणी साधारणता विलासी और उर्वरता जनक देवता समझे जाते थे। कुबेर तो अक्षय निधि के अधीश्वर भी हैं। यक्षमा नामक रोग के साथ भी इन लोगों का संबंध जाता है। यक्षमा कहा गया टीबी को वर्तमान समय। भरहुत बोध गया सांची आदि में उत्कीर्ण मूर्तियों में संतानार्थनी स्त्रियों को का यक्षों के सानिध्य के लिए वृक्षों के पास जाना अंकित है। मतलब ये सारे प्रमाण मिलते हैं। इन वृक्षों के पास अंकित मूर्तियों की स्त्रियां प्रायः नग्न है, केवल कटी देश में एक चौड़ी मेखला पहने हैं। अशोक इन वृक्षों में सर्वाधिक रहस्यमय है। सुंदरियों के चरण ताड़न से उसमें दोहद का संचार होता है। परवर्ती धर्म ग्रंथों से भी ये पता चलता है कि चैत्र शुक्ल अष्टमी को व्रत करने और अशोक की 8 पत्नियों के भक्षण से स्त्री संतान कामना फलवती होती है। अशोक कल्प में बताया गया है। अशोक के फूल 2 प्रकार के होते हैं, सफेद और लाल। सफेद तो तांत्रिक क्रियाओं की सिद्धिप्रद समझकर व्यवहृत होता है, अर्थात क्रियाओं की सिद्धि के लिए जाना जाता है, और लाल स्मरण वर्धक होता है, इससे स्मरण शक्ति बढ़ती है। इन सारी बातों का रहस्य क्या है? मेरा मन प्राचीन काल के कुंजटिकाक्षण आकाश में दूर तक उड़ना चाहता है। हाय पंख कहाँ है? लेखक कहता है इन सारी बातों का रहस्यमय
मेरा मन बहुत अच्छे से जानना चाहता है। वो कुंजटिका छन्न कुंजों से ढकी हुई ढके हुए आकाश में दूर तक उड़ना चाहता है, लेकिन कहता है कि मैं कैसे वहां तक पहुंच सकता हूँ, मेरे तो पंख ही नहीं है। अर्थात मेरी लेखनी या मेरे सोच वहां तक मेरी सोच नहीं पहुंच सकती है, मैं उसको उस विषय में नहीं जान सकता हूँ, मेरा मन उसको नहीं खोज सकता है, इस रहस्य को इतनी दूर तक जो इतनी गहराई में है उसको नहीं समझ सकता है। वो मुझे प्राचीन युग की बहुत बात मालूम होती है, फिर वो कहता है कि ये सारी बातें प्राचीन युग की लगती हैं, आर्यों का लिखा हुआ साहित्य ही हमारे पास बचा है, उसमें सब कुछ आर्य दृष्टिकोण से ही देखा गया है। आर्यों से अनेक जातियों का संघर्ष हुआ है, उन्हें आर्य से पहले की बातों को ढूंढना बहुत मुश्किल है। उसको मैं लेखक कहता कि मैं वहां तक नहीं पहुंच सकता हूँ। आर्यों से अनेक जातियों का संघर्ष हुआ, कुछ ने उनकी अधीनता नहीं मानी, वे कुछ ज्यादा गर्वीली थी, संघर्ष खूब हुआ, पुराणों में भी इसके प्रमाण है। लेखक आर्य जाति के विषय में बताता है जो बहुत ही स्वाभिमानी होती थी, ये जाति बहुत ही स्वाभिमानी थी और अनेक जातियों के साथ इसका संघर्ष हुआ। वे कुछ ज्यादा गर्वीली थी, संघर्ष खूब हुआ, पुराणों में इसके प्रमाण है। ये इतनी पुरानी बात है कि सभी संघर्षकारी शक्तियां बाद में देव योनि जात मान ली गई। पहला संघर्ष शायद असुरों से हुआ। ये बड़ी गर्वीली जाती थी, आर्यों का प्रभुत्व इसने कभी नहीं माना, फिर दानों दैत्यों और राक्षसों से संघर्ष हुआ। गंधर्वों और यक्षों से कोई संघर्ष नहीं हुआ, वे शायद शांतिप्रिय जातियां थीं। भरहुत सांची मथुरा आदि में प्राप्त यक्षिणी मूर्तियों की गठन और बनावट देखने से ये स्पष्ट हो जाता है कि ये जातियां पहाड़ी थीं। यक्ष और यक्षिणी जातियां जो थी वो कहते हैं बहुत ही शांतिप्रिय थी। इनको लेखक ने बताया है कि ये पहाड़ी जातियां थी। हिमालय का देश ही गंधर्व यक्ष और अप्सराओं की भूनिवास भूमि है। इनका समाज संभवतः उस स्तर पर था जिसे आजकल के पंडित कुणालुवन सोसाइटी कहते हैं, शायद इससे भी अधिक आदिम, परंतु वे नाच गान में कुशल थे। यक्ष तो धनी भी थे, वे लोग वानरी और भालुओं की भांति कृषि पूर्व स्थिति में भी नहीं थे और राक्षसों और असुरों की भांति व्यापार वाणिज्य वाली स्थिति में भी नहीं। वे मणियों और रत्नों का संधान जानते थे, वो जानते थे, पृथ्वी के नीचे गड़ी हुई निधियों की जानकारी रखते थे और अनायास धनी हो जाते थे। संभवतः इसी कारण उनमें विलासिता की मात्रा अधिक थी। परवर्ती काल में यह बहुत सुखी जाति मानी जाती थी। यक्ष और गंधर्व एक ही श्रेणी के थे, परंतु आर्थिक स्थिति दोनों की भिन्न थी। किस प्रकार गंधर्व देवता को अपनी गंधर्व सेना के साथ इंद्र का मुसाहिब बनना पड़ा,
वो मनोरंजक कथा है। लेखक फिर कहता है कि यहां पर पुरानी बातें क्यों रटी जाए। प्रकृति यह है कि बहुत पुराने जमाने में आर्य लोगों को अनेक जातियों से निपटना पड़ा था, जो गर्वीली थी, हार मानने को प्रस्तुत नहीं थी। परवर्ती साहित्य में उनका स्मरण घृणा के साथ किया गया और जो सहज ही मित्र बन गए, उनके प्रति अवज्ञा और उपेक्षा का भाव नहीं रहा। असुर, राक्षस, दानव और दैत्य पहली श्रेणी में तथा यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, विद्याधर, वानर, भालू आदि दूसरी श्रेणी में आते हैं। लेखक कहता है कि असुर, राक्षस, दानव और दैत्य ये पहली श्रेणी में तथा यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, विद्याधर, वानर, भालू आदि दूसरी श्रेणी में आते हैं। पर्वती हिंदू समाज इन सबको बड़ी अद्भुत शक्तियों का आश्रय मानता है। सब में देवता बुद्धि का पोषण करता है। अशोक वृक्ष की पूजा इन्हीं गंधर्वों और यक्षों की देन है। तार अशोक वृक्ष की पूजा जो है यक्ष और गंधर्व भी क्या करते थे, जब तक रहे ये लोग तब तक इसका इस पुष्प का बड़ा मान सम्मान रहा, बल्कि उसके अधिष्ठाता गंधर्व देवता की भी होती थी। इसे मदनोत्सव कहते थे। महाराज भोज के सरस्वती कंठाभरण से जान पड़ता है यह उत्सव त्रयोदशी के दिन होता था। मालविकाग्नि मित्र और रत्नावली में इस उत्सव का बड़ा सरस मनोहर वर्णन मिलता है। महाकवि कालिदास द्वारा विरचित नाटक मालविकाग्नि मित्रम और रत्नावली नाटक हर्षवर्धन की रत्नावली नाटिका में इस उत्सव का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। मैं जब अशोक के लाल स्तवकों को देखता हूँ तो मुझे वो पुराना वातावरण प्रत्यक्ष दिखाई दे जाता है। लेखक कहता है कि जब मैं लाल फूलों का गुलदस्ता देखता हूँ तो मुझे अपना जो मुझे वो पुराना वातावरण साक्षात दिखाई देता है। राजघरानों में साधारणता रानी ही अपने सुनपुर चरणों के आघात से इस रहस्यमय वृक्ष को पुष्पित किया करती थी। कभी कभी रानी अपने स्थान पर किसी अन्य सुंदरी को नियुक्त कर दिया करती थी। कोमल हाथों में अशोक पल्लवों का कोमल तर गुच्छ माने गुच्छा आया। अलकतक से रंजित नुपुरमय चरणों के मृदु आघात से अशोक का पाद देश आहत हुआ। अलकतक बने कहते हैं महावर से रंजित रंगे गए नुपुरों से युक्त पैरों के कोमल आकाश से अशोक का पाद देश जो है आहत हुआ। अर्थात अशोक के फूल की टहनी जो थी वो आहत हुई। नीचे हल्की रुंझुन और ऊपर लाल फूलों का उल्लास। हल्की रुंझुन नुपुरों की रुंझुन रहती थी और ऊपर फूल उसमें लिपटे रहते थे। फूलों का पायल सा पहने रहती थी। वो फूल शोभायमान होता था युवतियों के पैरों पर। किसलियों और कुसुम स्तकों की मनोहर छाया के नीचे स्फटिक के आसन पर अपने प्रिय को बैठाकर सुंदरियां अबीर कुमकुम चंदन और पुष्प संभार से पहले गंधर्व देवता की पूजा करती थी और बाद में सुकुमार भंगिमा से पति के चरणों पर वसंत पुष्पों की अंजलि बिखेर देती थी। यहाँ पे मदनोत्सव जो मनाया जाता रहा है उसका वर्णन किया गया है, या बसंतोत्सव कहिए।
मैं सचमुच इस उत्सव को मादक मानता हूँ। अशोक के स्तूपों में मादक मादकता आज भी है, परंतु उसको आज पूछता कौन है, अर्थात आज उसकी महिमा घट गई है। इन फूलों के साथ क्या मामूली स्मृति जुड़ी हुई है? भारतवर्ष का स्वर्ण युग इस पुष्प के प्रत्येक दल में लहरा रहा है। स्वर्ण युग अर्थात आदिकालीन आदि युग जो है वो इससे शोभायमान रहा है। कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सिद्धता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सदा, क्यों उसे वो याद रखती है? सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। लेखक कहता है वास्तव में दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, वास्तव में व्यक्ति इतना स्वार्थी है वो उसी उस उतना ही वो याद रखता है जिससे उसका स्वार्थ सिद्ध होता है, स्वार्थ सत्यता है, बाकी को हटाकर अलग करके आगे बढ़ जाती है। तो अशोक का फूल भी उसका पर्याय कैसे हो सकता है? अतः उससे अछूता वो कैसे रह सकता है? अशोक के फूल से उसका कोई व्यक्ति का दुनिया का कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ, इसलिए उसने उसको एक किनारे रख दिया। कवि तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में कहा है, भाव सामने देखे बच्चों, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। जहां स्वार्थ सिद्ध होता है बस व्यक्ति उतना ही याद रखता है, उसी व्यक्ति को व्यक्ति विशेष को याद रखता है, वस्तु विशेष को याद रखता है। देवता मुनि मनुष्य सबकी यही रीति है कि वो स्वार्थ स्वार्थ के आधार पर ही प्रीति करता है, ये बात लेखक ने इसमें बताई। अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु है उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक। इस गद्यांश में लेखक यह बताता है कि सामंत सभ्यता जब आई तो सामंत युग में भी युग में इसकी पूछ खूब हुई। जो साधारण प्रजा के परिश्रम वो पली थी, उसके रक्त के संसार कणों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी, वे सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए और मदनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। जहां सामंत साम्राज्य खत्म हुआ वैसे ही इस ये पुष्प भी प्रेक्षणी हो गया लोगों के द्वारा। संतान कामियों को गंधर्वों से अधिक शक्तिशाली देवताओं का वरदान मिलने लगा। पीरों ने, भूत भैरवों ने, काली दुर्गा ने यक्षों की जत घटा दी। दुनिया अपने रास्ते चली गई और अशोक पीछे छूट गया। मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। लेखक कहता है मानव जाति की दुर्दम कठोर दुर्दम बने कठोर और निर्मम निर्दयी धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई देता है। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है। वो कहता है कि मनुष्य की जीने की शक्ति जो है बहुत ही निर्मम है, ममता रहित है। वो सभ्यता और संस्कृत के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है।
न जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों की व्रतों को धोती बहाती यह जीवनधारा आगे बढ़ी है, सबको पीछे करती चली गई। ये जीवनी शक्ति जो है वास्तव में निर्मम है मनुष्य की। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। देश और जात की विशुद्ध संस्कृति केवल बात की बात है, सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है। शुद्ध है केवल मनुष्य के दुर्दम जिजीविषा मने जीने की इच्छा। दुर्दम जो दमन ना की जा सके, जो उसको नष्ट ना किया जा सके, ऐसी जीने की इच्छा। वो गंगा की अबाधित अनाहत धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है। सभ्यता और संस्कृति का मोह क्षण भर बाधा उपस्थित करता है। धर्माचार का संस्कार थोड़ी देर तक इस धारा से टक्कर लेता है, पर इस दुर्दम धारा में सब कुछ बह जाते हैं। अर्थात जीने की जो उत्कट इच्छा होती है उसमें इस दुर्दमनी धारा में ये सब कुछ बातें बह जाती हैं। जितना कुछ जीवनी शक्ति को समर्थ बनाता है उतना उसका अंग बन जाता है, बाकी सब फेंक दिया जाता है। धन्य हो महाकाल, तुमने कितनी बार मदन देवता का गर्व खंडन किया। लेखक फिर वो संहार करता शिव को याद करता है, कहते हैं कि आपने न जाने कितनी बार काम देवता के अभिमान का खंडन किया है, धर्मराज के कारागार में क्रांति मचाई है, यमराज के निर्णय तारल्य को पी लिया है, तत्काल के निर्णय की तरलता को भी तुमने पी लिया है, विष को पी लिया है, विधाता के सर्व कृतत्व के अभिमान को चूर्ण किया, सब कुछ मैं करता हूँ इस अभिमान को भी हे शिव आपने चूर्ण कर दिया, नष्ट कर दिया। आज हमारे भीतर जो मोह है, संस्कृति और कला के नाम पर जो आसक्ति है, धर्माचार सत्यनिष्ठा के नाम पर जो जड़िमा है, उसमें का कितना भाग तुम्हारे कुंठ नृत से ध्वस्त हो गया। ध्वस्त हो जाएगा कौन जानता है। लेखक कहता है कि सब कुछ आप करने में समर्थ हैं और क्या क्या अभी हो जाना बाकी है, क्या क्या विनाश लीला होनी है हे शिव, ये तो आप ही जानते हैं। सब कुछ नष्ट होगा, फिर से पुनः प्रलय होगा, फिर पुनः सृष्टि होगी, ये क्रम चलता रहेगा। कल न जाने मनुष्य की जीवन धारा फिर भी अपनी मस्तानी चाल से चलती जाएगी। आज अशोक के पुष्प स्तूपों को देखकर मेरा मन उदास हो गया। लेखक कहता है कि सब कुछ बदलता है, परिवर्तनशील है, सब कुछ परिवर्तनशील है, लेकिन मनुष्य अपनी मस्तानी चाल से चलता ही रहेगा, आगे बढ़ता ही रहेगा। लेकिन फिर वो आ जाता है अशोक के फूल पर, कहता है कि अब आज भी मैं जब पुष्प स्तवकों को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है, जब आज मैं अशोक के फूलों का गुलदस्ता देखता हूँ तो मैं फिर उदास हो जाता हूँ। कल न जाने किस वस्तु को देखकर किस सहृदय के हृदय में उदासी की रेखा खेल उठेगी। कहता है पता नहीं कल कौन सी वस्तु नष्ट होगी और उसको देख करके किसी सहृदय का दिल दुखी होगा, कौन जानता है। जिन बातों को मैं अत्यंत मूल्यवान समझ रहा हूँ
और जिनके प्रचार के लिए चिल्ला चिल्ला कर गला सुखा रहा हूँ, उनमें कितनी जिएंगी और कितनी बह जाएंगी कौन जानता है। मैं क्या शौक से उदास हुआ हूँ? माया काटे कटती नहीं, उस युग के साहित्य और शिल्प मन को मसले दे रहे हैं। अशोक के फूल ही नहीं, किसले भी हृदय को कुरेद रहे हैं। कालिदास जैसे कल्प कवि ने अशोक के पुष्प को ही नहीं, किसलयों को भी मत मत करने वाला बताया है। अर्थात अशोक के जो किसले हैं, कोमल पत्ते हैं, वो भी मत मस्त करने वाले हैं। अवश्य ही शर्त ये थी कि वो दयिता के कानों में झूम रहा हो। किसलय प्रसवोपि विलासी नाम मदयिता दयिता श्रवणा अर्पिता। परंतु शाखाओं में लंबित वायु लुलित किसलयों में भी मादकता है। मेरी नस नस से आज करुण उल्लास की झंझा उत्थित हो रही है। मैं सचमुच उदास हूं। आज जिसे हम बहुमूल्य संस्कृति मान रहे हैं, वो क्या ऐसी ही बनी रहेगी? सम्राटों सामंतों ने जिस आचार निष्ठा को इतना मोहक और मादक रूप दिया था, वो लुप्त हो गई है। धर्माचार्यों ने जिस ज्ञान और वैराग्य को इतना मार्ग मार्ग मने बहुमूल्य समझा था, वो लुप्त हो गया है। मध्य युग के मुसलमान रईसों के अनुकरण पर जो रस राशि उमड़ी थी, वो वाष्प की भांति उड़ गई। क्या यह मध्य युग कंकाल में लिखा हुआ व्यवसायिक युग का कमल ऐसा ही बना रहेगा? महाकाल के प्रत्येक पदाघात में धरती धसेगी, उसके कुंठ नृत्य की प्रत्येक चारिका कुछ न कुछ लपेट कर ले जाएगी। यहाँ पे उसके अर्थात शिव जी के कुंठ नृत्य की प्रत्येक चारिका मने चरण कुछ न कुछ लपेट कर अपने साथ ले जाएगी। सब कुछ बदलेगा, सब विकृत होगा, सब नवीन होगा, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन है। भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद वैरागियों की पलटन खड़ी की थी। भगवान बुद्ध कहते हैं जिनको मोक्ष मिल गया था, उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली थी और उनके साथ ही सारे वैरागी जो वैरागी थे उनकी लाइन पंक्ति पंक्ति खड़ी हो गई थी। असल में मार मदन का भी नाम अंतर है। कैसा मधुर और मोहक साहित्य उन्होंने दिया, पर न जाने कब यक्षों के वज्रपाणी नामक देवता, वज्रपाणी इंद्र, इंद्र नामक देवता इस वैराग्य प्रवण धर्म में घुसे और मधुर मोहक साहित्य उन्होंने दे दिया। पर न जाने कब यक्षों के वज्रपाणी नामक देवता इस वैराग्य प्रवण धर्म में घुसे और मधुर मोहक साहित्य उन्होंने दिया। पर न जाने कब यक्षों के वज सॉरी बच्चों जगह गलती हो गई थोड़ा कैसा मधुर और मोहक साहित्य उन्होंने दिया। पर न जाने कब यक्षों के वज्रपाणि नामक देवता इस वैराग्य प्रवण धर्म में घुसे और बोधिसत्वों के शिरोमणि बन गए। वज्रपाण कहा गया इंद्र को। फिर वज्रयान का अपूर्व धर्म मार्ग प्रचलित हुआ। त्रिरत्नों में मदन देवता ने आसन पाया। वह एक अजीब आंधी थी, इसमें बौद्ध बह गए, शैव बह गए, शाक्त बह गए। उन दिनों श्री सुंदरी साधन तत्पराणाम योगश्च भोगश्च करस्थ एव की महिमा प्रतिष्ठित हुई। श्री सुंदरी साधन तत्पराणाम,
श्री सुंदरी के साधन में तत्पर हुए योग और भोग। कर में रखी हुई, हाथ में रखी हुई श्री सुंदरी साधन तत्पर योग और भोग की महिमा प्रतिष्ठित हुई। काव्य और शिल्प के मोहक अशोक ने अभिचार में सहायता दी। मैं अचरज से उस योग और भोग की मिलन लीला को देख रहा हूँ। लेखक कहता है कि मैं आश्चर्य से इस योग और भोग की मिलन लीला को देख रहा हूँ। ये भी क्या जीवनी शक्ति का दुर्दम अभियान था? कौन बताएगा कि कितने विध्वंस के बाद इस अपूर्व धर्म मत की सृष्टि हुई थी। अशोक स्तवक का हर पुल हर दल इस विचित्र परिणत की परंपरा ढोए जा रहा है। कैसा झबरा सा गुल्म है, कैसा घना सा गुच्छा है, मगर उदास होना भी बेकार है। अशोक आज भी उसी मौज में है जिसमें आज से 2000 वर्ष पहले था। लेखक कहता है अंत में उसको ये समझ में आता है कि सब बेकार है, मैं क्यों उदास हूँ, सब उदास होना मेरा बेकार है। कहीं भी तो नहीं, उस पर कोई भी असर नहीं पड़ा। आज वो वैसा ही झूम रहा है, मस्ती में फूल फल रहा है। कहीं भी तो कुछ बिगड़ा नहीं, कुछ भी तो नहीं बदला। बदली है मनुष्य की मनोवृत्ति, सिर्फ इंसान की सोच बदली है। यदि बदले बिना वो आगे बढ़ सकती है तो शायद वो भी नहीं बदलती, और यदि ना बदलती तो व्यवसायिक संघर्ष आरंभ हो जाता। मशीन का रथ घर घर चल पड़ता है, विज्ञान का सावेग धावन चल निकलता है तो बड़ा बुरा होता है, हम पिस जाते हैं। अच्छा युवा जो बदल गई, पूरी कहाँ बदली है पर बदल तो रही है। अशोक का फूल तो उसी मस्ती में हंस रहा है, पुराने चित्त से इसको देखने वाला उदास हो जाता है। वो अपने को पंडित समझता है। पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी ही भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबाती है। लेखक कहता है कि अगर पुरानी विचारों के अनुसार आप सोचेंगे तो निश्चित ही आप उदास होंगे। इसलिए उदास होना बेकार है क्योंकि परिवर्तन ही जीवन है। जब वो जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है, तब वह बोझ नहीं रहती। वह उस अवस्था में भी उदास नहीं करती है। कहाँ अशोक का कुछ भी तो नहीं बिगड़ा, कितनी मस्ती में झूम रहा है। कालिदास इसका रस ले सके थे अपने ढंग से, मैं भी ले सकता हूँ अपने ढंग से। उदास होना बेकार है। अंत में लेखक ने मान लिया कि उस पुरानी परंपरा, पुरानी विचारधारा को छोड़ो, आगे नई विचारधारा को ग्रहण करो, क्योंकि जीवन परिवर्तनशील है। जो भी हुआ सब ठीक हुआ। आज भी उस पर वो पुष्प आज भी खिल रहा है, आज भी मौज मस्ती में फल फूल रहा है। महाकवि कालिदास ने अपने काव्य में इसका प्रयोग करके उन्होंने इसका भरपूर आनंद लिया है। ये बात इस लेखक ने इसमें समझाई है। ये पाठ खत्म होता है। धन्यवाद।